नमस्कार, मैं हेमंत ओझावर हेमंत टीवी चैनल से आपको रूबरू कराता हुआ मैं बताना चाहूंगा, सामने हमारे सामने ब्रह्म विद्यानंद जी है, जो कि ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की प्रतिक्रिया जो है इनके सामने रही है, वो भी राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर। मैं बताना चाहूंगा कि जिस पर पूरे भारत की नजरें ही नहीं पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है, राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद जिसको बोलते हैं ये लोग, ये बताना चाहेंगे कि इसके अंदर दो नक्शे तैयार हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा फिर से कि दो नक्शे, एक जगत गुरु स्वरूपानंद जी श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी की तरफ से, और एक आपको बता रहा हूं मैं दूसरा नक्शा जो है विश्व हिंदू परिषद ने तैयार किया है, और दोनों नक्शे के बीच की खबर हम हमारे सामने ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी देते हुए। भैया जी बताइए क्या चल रहा है राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में, पूरी प्रतिक्रिया बताइए हमारे दर्शक को। विगत 18 नवंबर अक्टूबर को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों बहस की सुनवाई को पूर्ण करते हुए अब निर्णय सुरक्षित कर लिया है, और बहुत शीघ्र ही श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है। निर्णय का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से जब निर्णय आएगा तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन राम जन्मभूमि में कैसा मंदिर हो इसके लिए पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़ी गंभीरता से विचार किया है कि वहाँ कैसा मंदिर हो। हमारी सनातन उपासना पद्धति अत्यंत प्राचीन उपासना पद्धति है, इस उपासना पद्धति पर बहुत से प्रहार हुए, बौद्धों के प्रहार हुए, मुस्लिमों के प्रहार हुए, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो उपासना पद्धति है वह आज भी सुरक्षित है, और पारंपरिक रूप से इसको यहाँ तक लाने का श्रेय निश्चित ही आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जो चतुष्पीठ आचार्य परंपरा है उसको जाता है। आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों के आचार्यों को एक दिव्य शिवलिंग चंद्रमौलीश्वर प्रदान किया था, और यह एक व्यवस्था दी थी कि निश्चित रूप से चारों पीठों के आचार्यों को चंद्रमौलीश्वर की उपासना करनी है। तो नित्य ही हमारे आचार्यगण चंद्रमौलीश्वर की उपासना पूजा करते हैं, और जैसा कि पूज्यपाद महाराजा श्री जो कि अभी 96 वर्ष की अवस्था में भी पूरी सक्रियता के साथ सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए हैं, विगत 70-75 वर्षों से पूज्य महाराजा श्री धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। तो चारों पीठों की परंपरा में पूज्यपाद शारदा पीठ द्वारका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पूज्य महाराजा श्री ही ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए न्यायालय की लड़ाई भी लड़ी है, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ा है। तो यह दोनों बातें आचार्य पीठ को गौरवान्वित करने वाली हैं। पूज्य महाराजा श्री ने श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की स्थापना 1989 में की थी, और उसके माध्यम से जो है उन्होंने न्यायालय में बहुत अच्छे से अपनी बहस की है, और राम मंदिर निर्माण के लिए महाराजा श्री ने एक रामालय ट्रस्ट की स्थापना की है, जो राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के बहुत बाद में की गई। इस ट्रस्ट में चारों पीठों के शंकराचार्यों के साथ साथ विभिन्न संप्रदायों के मान्य आचार्य हैं, और जैसा कि
इस ट्रस्ट का नाम है रामालय निर्माण, तो यह रामालय निर्माण के लिए ही समर्पित ट्रस्ट है जो पूरे देश के धार्मिक प्रतिनिधित्व को आगे करके बनाया गया है। पूज्य महाराजा श्री ने राम और कृष्ण को राष्ट्रीय देवता की श्रेणी में रखते हुए उनके मंदिर की भी बहुत विशाल परिकल्पना रखी है और विश्व के आश्चर्यों में एक जो प्रख्यात विष्णु मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित जो है, उस मंदिर की प्रतिकृति के रूप में पूज्य महाराजा श्री चाहते हैं कि अयोध्या में भी उसी तरह का एक विशाल मंदिर बने जिसे पूरे विश्व में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त हो। भारत मंदिरों का देश है, उपासनाओं का देश है, तो सर्वप्रथम तो ये है कि पूज्य महाराजा श्री प्रतिदिन उपासना करते हैं। पूज्य महाराजा श्री ने पूरे देश में 50 मंदिरों का निर्माण कराया है। उनका एक आश्रम है मध्य प्रदेश में, परमहंसी गंगा आश्रम, यहाँ 300 फीट ऊंचा विशाल राजराजेश्वरी का मंदिर है जो कि लगभग 25 वर्षों में बनके तैयार हुआ। तो इस तरह से बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, द्वारका में महाराज श्री ने इतने अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण किया है कि निश्चित ही अगर वो राम जन्मभूमि के लिए एक मंदिर का दृष्टिकोण रखते हैं तो यह बिल्कुल ही उचित है। क्योंकि अभी तक मंदिर बनाने की जो लोग बात कर रहे हैं, ना तो उनके पास उपासना का अनुभव है और ना ही किसी मंदिर बनाने का अनुभव है। महाराज जी के पास ये दोनों अनुभव हैं, वे उपासक भी हैं और निर्माता भी हैं। मंदिर निर्माता हैं, ईश्वर के उपासक हैं। और इससे अगर चारों पीठों के शंकराचार्य को इस मंदिर निर्माण में नेतृत्व दिया जाता है तो इससे पूरा सनातनी समाज एकजुट होगा। और जैसे कि सारा ईसाई समुदाय पोप के सामने एकजुट होता है और जो मुस्लिम धर्माचार्य हैं उनके सामने मुसलमान इकट्ठे होते हैं, इसी तरह से हिंदुओं में जो शंकराचार्य का स्थान है तो उस स्थान को भी एक गरिमा मिलेगी। और जो व्यवस्था दी जाएगी मंदिर निर्माण के लिए वह वास्तुशास्त्र से परिचित होगी। अभी पूज्य महाराजा श्री के आदेश से उनके दंडी सन्यासी शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि श्री विद्यामठ वाराणसी के प्रभारी हैं वर्तमान में, उन्होंने महाराजा श्री की परिकल्पनाओं को नक्शे के माध्यम से मूर्त रूप देते हुए एक 68 एकड़ में बनाया जाने वाला एक विशाल मंदिर का प्रारूप तैयार किया है, वो आपके सामने दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये मंदिर का प्रारूप कितना भव्य विशाल, देख सकते हैं स्क्वायर फीट एकड़ में 68 एकड़ किस तरीके से ये बनाया हुआ है, कितना सुंदर मंदिर। और इसकी धीरे धीरे मैं आपको पूरी इस मंदिर में 68 एकड़ का जो एरिया है, हाँ, इसमें जो प्लिंथ का हाइट है वो 70 फीट है, हाँ, टेंपल का हाइट 1000 फीट है और भगवान राम की जो मूर्ति है 108 फीट की ऊंचाई वाली होगी। और इसमें जो है बहुत बड़े बड़े किचन होंगे बाहर, वर्किंग स्टाफ स्ट्रेंथ 1800 के लगभग वर्कर चारों ओर रहेंगे। बेसमेंट का जो एरिया है उसमें 1008 बसें, 10008 कार और 21000 मोटरसाइकिल पार्किंग की व्यवस्था बाहर होगी और 1,08,000 व्यक्ति इसमें दर्शन लाभ बाहर का जो परिसर होगा उससे प्राप्त कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत मंदिरों का देश है, यहाँ तिरुपति जैसे विशाल मंदिर हैं और भी दक्षिण भारत में, गुजरात में, उत्तर भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं। इतनी अधिक मात्रा में लोग वहाँ इकट्ठे हो जा रहे हैं,
अब वहाँ सबको दर्शन की सुविधा बड़ी मुश्किल हो रही है दर्शन प्राप्त करने में। आगे ये स्थिति और भी बढ़ेगी तो उन भविष्य की और सब दृष्टियों को विचार करके ये जो रामालय न्यास के तत्वावधान में जो रामालय का नक्शा बनाया गया है यह भविष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ है और निश्चित ही रामालय ट्रस्ट के इस सराहनीय प्रयास पे देश का ध्यान आकर्षण होना चाहिए कि अगर निर्णय हिंदुओं के पक्ष में आता है तो सारे पूर्वाग्रह छोड़ के शंकराचार्यों और देश के प्रमुख धर्माचार्यों के नेतृत्व में जो रामालय न्यास का गठन किया गया है उसके तत्वावधान में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई जाती है तो यह निश्चित ही देश का सौभाग्य होगा। और महाराजा श्री ने राम जन्मभूमि में जो हिंदू पक्षकारों ने बहस की है उनका पूरा ध्यान रखा है। महाराजा श्री यह बिल्कुल नहीं चाहते कि ये पीठों के अंडर में मंदिर हो जाए या व्यक्तिगत कुछ हो जाए, यह एक राम का और पूरे देश का मंदिर होगा। इसमें जैसा कि निर्मोही अखाड़ा अपने को कहता है कि हम लोग यहाँ सेवायत थे पूजा करते रहे, तो वह अधिकार भी महाराज जी उनको देने के लिए तैयार हैं। जो जो हिंदू संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनकी भावना का ख्याल रखते हुए उनको उचित स्थान देने का प्रयास रामालय न्यास शुरू से ही करता आ रहा है और आगे भी ये प्रयास होता रहेगा। कहीं ये ना हो कि न्यायालय की लड़ाई जीतने के बाद हम फिर हिंदू अपनी लड़ाई में ना उलझ जाएं और इस तरह से एक हमारी व्यापक किरकिरी ना हो। इसलिए यह सरकार का दायित्व है कि 2500 साल पुरानी शंकराचार्य की परंपरा को, चूँकि वो पक्षकार भी हैं और विगत 1984 से राम जन्मभूमि के मामले में पूरी तरह से सक्रिय भी हैं, तो उनकी उपेक्षा अगर की जाती है तो यह अत्यंत ही घोर निराशाजनक बात होगी। तो सरकार का, संबंधित संगठनों का, सबका ये दायित्व है कि हमारे जो चतुष्पीठ के जो शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उनके हाथ में आगे झंडा देके इस कार्य को अगर वे करते हैं तो हम निश्चित ही सुनहरे भारत का एक ऐसा पन्ना देखेंगे जो भारत को निश्चित ही सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा। मैं हेमंत कसावा हेमंत टीवी चैनल से आपको रूबरू कराता हुआ, बताता हुआ पूरे नक्शे के साथ राम जन्मभूमि की पूरी बात बताता हुआ मैं हेमंत टीवी चैनल में चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।